तो बच्चों को याद होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वी बीन स्टडिंग, सर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में। चैप्टर 2। क्या सर हीमोग्लोबिन? सर ये आपने बोला था ये हीमोग्लोबिन की डायग्राम जो है ये लेबल करने के लिए आती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की, जी तो सर ये काइंडली बता देंगे आप इसकी लेबलिंग? सर यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में लेबलिंग हुई भी है। ये अल्फा चेन है, यानी ये प्रोटीन की चेन है, ये बीटा चेन है, ये भी प्रोटीन की चेन है। ये सारी जो हैं, इसमें चार डिफरेंट कलर की, ये सब प्रोटीन्स की चेन हैं, और ये पेप्टाइड चेन है, और ये इसके अंदर ये जो नज़र आ रहे हैं ये हीम यानी आयरन है। एक्चुअली जो नाम हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम है वो आयरन को कहते हैं, हीम आयरन को कहते हैं, और ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है, ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है। तो हीमोग्लोबिन में या ब्लड में जो प्रोटीन है उसका नाम ग्लोबिन है। जब ये पूछा जाता है एग्जाम में कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन आरबीसी, तो बच्चे कहते हैं ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ बुक में। भाई ये लिखा हुआ है जब आपको बताया जाता है कि आरबीसी में रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें जो हीम है उसका मतलब ही आयरन होता है। इसी वजह से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो आयरन की जो ओर्स हैं उनके नाम है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट दूसरी पढ़ी है आपने या नहीं सर? यस पाइराइट वगैरह होता है ना, पाइराइट हेमाटाइट। पाइराइट होता है, यस। तो ये क्यों नाम है हेमाटाइट, ये हेमा हीम यानी आयरन ही कोई कहते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, हमारी बुक में नहीं दिया हुआ। हमारी बुक में फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ। इस वजह से अगर इसका नहीं दिया हुआ तो इस मीन आपको ये याद नहीं करना, लेकिन आपको इसके बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि ये भी टेट्रापायरोल है। टेट्रापायरोल उसे कहते हैं जिसमें फोर रिंग्स होती हैं। ये पायरोल जो होता है जब भी किसी वर्ड के साथ आता है तो इसका मतलब होता है वो अल्कोहल है, और पायरोल वो अल्कोहल होता है जो साइक्लिक होता है। साइक्लिक का मतलब होता है जो चेन की शक्ल में होता है या क्लोज चेन होती है। तो इसमें टेट्रा का मतलब होता है चार रिंग। यही जो है देखिए मैंने लेबल किए हैं, रिंग वन, रिंग टू, रिंग थ्री, रिंग फोर, ये चार रिंग है। तो ये रिंग एंगेजमेंट रिंग या वेडिंग रिंग नहीं है, ये रिंग टेट्रा पायरोल की है। तो इन्हें हम टेट्रा क्यों कहते हैं, इसलिए के फोर रिंग्स हैं। पायरोल यानी अल्कोहल है, अल्कोहल की रिंग, ऐसे अल्कोहल जो साइक्लिक अल्कोहल हैं, जो क्लोज चेन वाले अल्कोहल हैं। तो इस तरीके से ये हम पढ़ चुके हैं, इस टाइप ऑफ लिपिड। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल है उसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि यहाँ पे सेंटर में आयरन है, इसी को हम कहते हैं Fe यानी आयरन। अब आपको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट वाले क्या करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट वाले केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंबाइन करके क्वेश्चन देते हैं। इससे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें कोई बॉटनी की चीज जूलॉजी में नहीं आएगी, या कोई जूलॉजी की चीज बॉटनी में नहीं आएगी, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे तो ऐसा नहीं होगा, चाहे वो चीज जूलॉजी में हो बॉटनी में हो, इसलिए वो तो आपने सारी देनी है। और इवन ये नहीं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में तब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो जूलॉजी और बॉटनी के अलावा अगर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी, इसलिए केमिस्ट्री का भी तो टेस्ट आप दे रहे हैं साथ में, इसका मतलब है यू नो अबाउट द केमिस्ट्री भी। तो इस तरीके से देखें यहाँ पर ये पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन में हीम तो है लेकिन ये बताएं हीम आयरन है, वो आयरन Fe+2 है या Fe+3 है? Fe+2 है या Fe+3 है? बच्चा कहता है सर ये बायोलॉजी की किताब रखी है, मुझे दिखा दें कहाँ लिखा हुआ है। तो भाई ये लिखा नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? आयरन Fe+2 है। अब ये पूछा जाएगा कि देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, अब ये बताएं कि Fe2 को हम पढ़ते क्या हैं, Fe3 को हम पढ़ते क्या हैं? क्या हम इंग्लिश में सिर्फ इसको आयरन पढ़ते हैं? अगर आयरन जिसकी वैलेंसी प्लस टू होती है इसको क्या पढ़ते हैं, कोई बता सकते हैं आप में से? फेराइट, इससे हम फेरस पढ़ते हैं, फेरस, फेरस। और ये वाला जो है ये है फेरिक, फेरस और फेरिक। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने या नहीं?
जी, तो अब देखिए केमिस्ट्री की चीज को बायोलॉजी से मिलाकर पूछते हैं कि बताएं ये जो आयरन है इसका कलर क्या होगा। हीमोग्लोबिन तो रेड कलर का होता है, इस आयरन का कलर बताएं। अब जिसने देखें केमिस्ट्री भी पढ़ी हो उसे ये भी पता हो कि ये फेरस है, उसको फेरस के कलर का भी पता होना चाहिए कि फेरस के, आपको पता है जैसे केमिस्ट्री में है कि Fe Cl2 इसका कलर क्या होता है, FeCl3 इसका कलर क्या होता है, पता है या नहीं? सर ब्लैक किसी ने लिखा, आंसर इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। आपको ये रेड पता होना कलर चाहिए होता है कि ना। फेरस के सारे सॉल्ट्स रेडिश ब्राउन होते हैं, रेडिश ब्राउन, और फेरिक के सारे सॉल्ट ग्रीन होते हैं, ग्रीन। अब देखें जिस बच्चे को केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी है, बायोलॉजी भी पढ़ रहा है, वो देगा इसका आंसर। आधी 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 चीजों से यहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्पाइडर वेब है उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बताएं कि वो बॉन्ड जो होते हैं कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन है। इसलिए कि हम चैप्टर में यही तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका मतलब ये है मैंने आपको ये बताया कि हमें बायोलॉजी ऐसी नहीं पढ़नी जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि बायोलॉजी ओ ये तो बड़ी आसान है, और बायोलॉजी तो सिर्फ रटने के लिए होती है, बस रट लो। रटी हुई बायोलॉजी से आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते, मिटी हुई बायोलॉजी से आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। जब तक आपको एक एक चीज के बारे में नहीं पता होगा उस तक तक आप कहते हैं यू कैन सी द विंडोज ऑफ द मेडिकल कॉलेज बट यू कैन नॉट एंटर थ्रू द डोर। सही है नहीं? ऐसी सही बातें वैसे करनी नहीं चाहिए कि बच्चे कहते हैं कि आप क्यों डिस्करेज करते हैं। जैसे वो दरअसल एक मदर आई मुझे कहने लगी आप मेरे बच्चे को दो बद्दुआ दे रहे हैं कि तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। भाई मैं बद्दुआ थोड़ी दे रहा, मैं तो बता रहा हूँ। मैंने कहा ये तो ऐसे ही है कि एक गटर है वो खुला हुआ है, उसका ढक्कन नहीं है, गटर का ढक्कन नहीं है, जो मेन होल का ढक्कन होता है नहीं होता, एक बच्चा सीधा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये इस गटर में गिर जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो क्या वो इस वजह से गटर में गिरेगा कि वो आप कह रहे हैं कि भाई वो गिरेगा? भाई ये तो नजर आ रहा है कि वो सीधा जा रहा है तो गिरेगा उसमें, तो मेरे कहने की वजह से थोड़ी वो गिर रहा है। या भाई देखें कोई बच्चा जो होता है मैं कह रहा हूँ तो फेल थोड़ी हो रहा है भाई, वो तो फेल तो अपनी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो चीजें नहीं आती उसको, जब उसको नहीं आती तो उसने फेल ही होना है, ठीक है या नहीं? तो इसके लिए ये थोड़ी है कि भाई इस तरीके से अगर जो है वो ट्रेन आ रही है और एक बच्चा जो हो रहा है वो ट्रेन की जो पटरी होती है रेलवे ट्रैक उसमें ट्रेन की तरफ दौड़ रहा है, तो हर देखने वाला क्या कहेगा, क्या कहेगा? ये तो गया ये ये तो कुछ क्या। अरसी वरसी आ गए। तो अब वो जो है वो ये कहे, अगर वो कहे आपने कह दिया काली जबान है, आपने कह दिया था ना इसलिए बच्चा मर गया, भाई मेरे काली जबान होने से क्या होगा? ये मतलब वो बच्चा जो है वो तो कर भी भाई वो जब उस तरफ दौड़ आप देख रहे हैं कि भाई वो जो है वो ट्रेन की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है तो उसको रोकें, तो भाई हमारा काम तो ये ना कि हम देख रहे हैं कि भाई वो जा रहा है तो जारी बात है भाई ये तो एक्सीडेंट तो होना ही है उसका, लेकिन ये एक्सीडेंट हमारे कहने की वजह से नहीं होगा। यही चीज जो होती है ना वो अल्लाह के बारे में भी कहते हैं कि दरअसल कहते हैं कि भाई मैंने उसको गोली मार दी मेरा क्या कसूर है, भाई तो उसको तो मरना ही गोली से था तो अब मेरा क्या कसूर है? तो दरअसल उसका कसूर ये है कि उसको इख्तियार दिया गया था कि आप मारें या नहीं मारें, मरना तो ऐसे ही था, ठीक है या नहीं? तो यहां पर क्या बात हो रही है कि दरअसल हीमोग्लोबिन के मुताबिक ये बात है, अगर हम देखें बुक का एक रेफरेंस है कि हीमोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर या उसमें क्या क्या चीज होता है इसके उसमें क्या है, तो पेज नंबर 26 है और चैप्टर 2 है जिसमें इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ये स्ट्रक्चर हमारी बुक में बना हुआ है, ये अलग बात है कि वो कलर नहीं है, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। और अगर ये देखें तो चैप्टर 14 में की ये तस्वीर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स आपको पता है कि हमारी ये आर्टरी है यानी ब्लड वेसल। अगर मैं आपसे पूछूं देखें अगर आप अपने हाथ देखें तो आपको ये ग्रीन ग्रीन ब्लड वेसल्स नजर आएंगी, ये जो ग्रीन ब्लड वेसल्स हैं ये क्या हैं? आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, क्या हैं ये? सर ये वेन्स वेन्स है सर।
क्या लिखा है, ये आपको एनसा है, क्या है एनसा है सर, कह रहे हैं चैप्टर कौन सा है, ये वाला चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, ये दिस इज द सेम चैप्टर टू विच इज जूलॉजी, ये चैप्टर है, और ये जो है ये चैप्टर 14 में है, 14 में है कि ब्लड सेल्स जो हैं उसमें WBCs और RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं, और इसी तरीके से इसमें ये रेड कलर का ये क्यों है, इसलिए कि इसमें रेड कलर का पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये सेंटर में होता है, किसके, इसका काम क्या होता है, चैप्टर 14 में पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। तो एप्टीट्यूड टेस्ट वाले इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं कि जिसको चैप्टर 2 भी आता हो और 14 भी, 2 भी और 14 भी, कहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड ऑल ऑफ दीज, ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर इज प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो ये पता होना चाहिए कि इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है, जिसका मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन इज द कैरियर नॉट द कार्बोहाइड्रेट नॉट द लिपिड इज द प्रोटीन। तो ये हमें क्या पता चलता है, आपको पता है कि ये जो टेस्ट होते हैं इसमें जब तक बच्चे ने एक एक चीज ना पढ़ी हो, एक एक वर्ड उसको आता होना चाहिए बुक का, एक एक वर्ड, तब कहीं जाकर वो क्या होगा आंसर लिख पाएगा, वरना तो उसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, वो कहेगा ये बुक में है कहाँ। आपको पता है कि वो जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन बुक टेस्ट होते हैं, ओपन बुक को कहते हैं अपने पास किताब रखो, अपने पास बुक रखो, जर्नल रखो, आपके पास जो जो भी चीज है, नोट्स हैं नोट्स रखो, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक रखो, आंसर दे दो, इसलिए कि ये आंसर आपको बुक में मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी देख लो तुम मिलेगा ही नहीं, वो अपनी तरफ से घुमा के दे देते हैं जी, वो क्वेश्चन देते ही ऐसे हैं कि 14 तबक रोशन हो जाते हैं, कहते हैं ये कहां से आए, ये बायोलॉजी कहां से आ गई, ये पता नहीं कौन, सारा आउट ऑफ द कोई सारा सिलेबस है ही नहीं, कुछ पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा के दे दिए, हालांकि वो बुक के अंदर से ही होती है जी, पैरामीटर हमारी बुक का ही है, कॉन्सेप्ट बुक के होते हैं लेकिन वर्डिंग बुक की नहीं होती है, वर्डिंग का मतलब होता है ऐसे नहीं कि जो वर्ड बुक में लिखा हो कि आप ऐसे मार्क कर दें कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसे नहीं लिखा होगा क्या, नहीं, तो उन्होंने जब ये पेप्टाइड का पूछना है तो वो क्वेश्चन जरा दूसरे अंदाज से पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि एक बच्चा जो है उसने नाश्ते में जो है वो खाई ब्रेड, बताएं डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से, वो माउथ से स्टार्ट, ये कैसे आपको पता है स्टार्ट हो जाएगा, माइलेज से। अब बच्चा कहे ये बुक में ब्रेड का कहाँ लिखा हुआ है, ये मुझे दिखाएं तो सही, ये ब्रेड का लिखा हुआ है बुक में, ब्रेड का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो कहीं ब्रेड का तो जिक्र ही नहीं है, ये ब्रेड कहाँ से आ गई सर, ये अल्फा और बीटा चेन्स के हैं सर, ये अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो तो मैंने बताई थी आर के मुतालिक के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें एक आर रेडिकल होता है, ये R की पोजीशंस बताते हैं, R R दरअसल ऐसे है कि जैसे देखिए मैं सारे R राइट साइड पे बना दूं, ये R, इसका भी R इधर, इसका भी R इधर, अमाइनो एसिड में R होते हैं जो मैंने आप बताया, ये R जो होते हैं वो H भी हो सकते हैं, ये R जो है वो, ये R जो है CH3 भी हो सकते हैं, ये R जो है CH2OH भी हो सकता है, सही बात है या नहीं, यस सर, कुछ भी हो सकता है राइट सर, ये रेडिकल की पोजीशन डिसाइड करते हैं जी, कि रेडिकल राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर हैं, अच्छा अगर ये सारे राइट पर हैं तो ये कहलाते हैं अल्फा, इस तरीके से यहाँ पे बीटा अल्फा, ये सारे आर अगर इस साइड पर हो, इस साइड पे, इस तरीके से अल्फा और बीटा, ठीक है या नहीं, लेकिन ये बात हमारी बुक में नहीं लिखी हुई कि अल्फा क्या होते हैं बीटा क्या होते हैं, ये तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, पैरामीटर तो हमारी बुक ही होती है लेकिन वो चीजें जो हमारी बुक के कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं उनके मुताबिक ही होती है, ठीक है या नहीं, और जो चीजें हमारी बुक में नहीं दी हुई होती वो नहीं पूछी जाती। अब एक स्टूडेंट ने मेरी ये बात पकड़ ली, आपने कहा था ना
कि जो बुक में नहीं होती वो नहीं आती, ये ब्रेड का कहाँ से आ गया? ब्रेड कहाँ लिखा हुआ है बुक में कि जो ब्रेड जो है वो किस चीज से डाइजेस्ट होती है? और इस तरीके से हेयर, यानी कि हेयर पूरी किताब में, सर मुझे दिखा दें आपको मैं 5,000 रुपीज हम देता हूँ अगर ये लिखा हुआ दिखा दें कि हेयर अगर पेट में चला जाएगा तो डाइजेस्ट कहाँ पे होगा। तो ये इस तरह से नहीं लिखा होगा, लेकिन किसी ना किसी वे में वो बात आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि भाई इसमें एंजाइम कौन सा हो रहा है, या एंजाइम की क्लासिफिकेशन बताएं, उसका ग्रुप बताएं, ये सारा कुछ तो नहीं पूछा जा रहा। पूछा था एक सिंपल सी बात चाहती है, ठीक है या नहीं? तो अब जो है वो दरअसल हमने पढ़ा, तो क्या पढ़ा अगर आपको याद होगा, तो दरअसल हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी कि ये डिफरेंट फंक्शन वो जो हैं वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये हमने प्रोटीन्स की टाइप पढ़ी कि प्रोटीन की टाइप जो प्राइमरी होती हैं उसमें स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, उसकी एग्जांपल इंसुलिन होती है। जो सेकेंडरी होती है उसमें स्पाइरल चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, उसकी एग्जांपल जो होती है हमारे हेयर हैं और स्पाइडर का वेब है। और इस तरीके से इसके अंदर जो है एक इजाफी चीज है कि इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, जबकि जो प्राइमरी प्रोटीन है इसमें सिर्फ और सिर्फ डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से टर्शरी प्रोटीन है वो फोल्डेड चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, सही है या नहीं? Yes, तो इस तरह से देखें क्वेश्चन जो है वो दरअसल एक ऐसा भी आया, और वो क्वेश्चन ये था कि एक सेकेंडरी प्रोटीन है, और उन्होंने सेकेंडरी प्रोटीन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा वन ऑफ द प्रोटीन इज स्पाइरली कॉइल्ड, one of the R is H, for which one of the R is H, name what? Name the amino acid, name the amino acid, glycine. अब बच्चे ने कहा ये कहाँ, स्पाइडर वेब के अमीनो एसिड का नाम कोई दिया है हमारी बुक में? नहीं दिया हुआ भाई, स्पाइडर वेब तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखी है, हेयर तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखी है, इसमें R और ये H ये क्या इन्होंने दे दिया है, ये क्या है? तो दरअसल उन्हें पता होना चाहिए कि R जो है वो रेडिकल होता है और अमीनो एसिड में होता है, और अगर R को H से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसका मतलब है जो अमीनो एसिड हुआ उसका नाम होगा ग्लाइसीन। इस तरह से आपने बुक को पढ़ना है। असल में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बुक को ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना बस ये पढ़ लिया ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और ये बस इसकी एग्जाम्पल है बस, और इसके बाद बस खत्म हो गई ना बात। ये तो नाम लिखा हुआ है, अब नाम के पीछे कौन पढ़ेगा? तो नामों के मुताबिक ये नहीं पूछ रहे आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा ये बताएं ये हेयर है, हेयर का कलर कौन सा है, भाई हेयर का कलर तो नहीं लिखा हुआ ना। इस तरीके से देखें फिर टर्शियरी प्रोटीन वो होती है जिसमें क्या होती है, जिसके अंदर फोल्डेड चेन या सुपर फोल्ड होते हैं, और ये इजीली डीनेचर हो जाती है। आमतौर पर ये स्फेरिकली नहीं गोल होते हैं, चूंकि फोल्डेड होते हैं इस वजह से आमतौर पर ये गोल हो जाती है। जैसे आपको पता है पारा जो होता है इसको हम कहते हैं मर्करी, जैसे इसको गिराएं तो उसकी गोल 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 बॉल बन जाती है, इसमें भी ऐसी होते हैं चूंकि ये फोल्डेड होती हैं इसलिए आमतौर पर ये ग्रोल होती हैं। और इसके अंदर जो है वो तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी होते हैं, इसमें आयनिक भी होते हैं, इसमें डाइसल्फाइड भी बॉन्ड होते हैं। आपको पता है एग्जाम में ऐसे ही आएगा, एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, और उसमें लिखा होगा आंसर वन लिखा होगा इंसुलिन, आंसर टू हेयर, आंसर थ्री लाइसोसोम, आंसर फोर स्पाइडर वेब। अब आप बताएं भाई ये क्या? लाइसोजाइम, वो दरअसल आंसर होगा लाइसोजाइम। ये कैसे पता चला? ये क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है? नहीं, बुक में लिखा हुआ है इस तरह से नहीं लिखा हुआ, बस सिर्फ ये कि बुक की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज किए जाते हैं, बुक के कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। सही या नहीं? इसलिए कि जिसे ये बात पता हो कि ये तीनों टाइप के जो बॉन्ड हैं वो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसे ये भी पता हो कि लाइसोजाइम इसकी एग्जाम्पल है, तब तो वो इसको पिक कर सकता है, वरना वो पिक ही नहीं करेगा। वगैरह ये क्या? और जो क्वार्टनरी हैं ये सबसे कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसी वजह से क्या गया कि सबसे सिंपल कौन सी होती है? तो प्राइमरी सबसे सिंपल है। सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कौन सी है? अब दरअसल कहते हैं कि अगर लैंग्वेज को चेंज किया जाए तो वो लैंग्वेज इस तरीके से पूछते हैं, कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, आंसर लिखा होता है लाइसोजाइम, स्पाइडर वेब, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। अब बच्चा कहे ये कहां से आया?
क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। आंसर है हीमोग्लोबिन। यहाँ पे तो आंसर आपको इसलिए पता चल रहा है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जब ये आंसर ब्रेन से तलाश करना पड़ेगा तो फिर होगी मुश्किल। सही है या नहीं? Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के, दरअसल प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हैं। ये जो अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी थी वो दरअसल हम प्रोटीन के मुताबिक पढ़ रहे थे, ये वो प्रोटीन है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होती हैं, और कितने परसेंट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो प्रोटीन होती है? 50%। पहली बात ये है कि प्रोटीन्स कहाँ पर मौजूद हैं। प्रोटीन मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन लिपो प्रोटीन की बनी होती है, लिपो प्रोटीन होती है यानी लिपिड और प्रोटीन। तो दरअसल कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन की बनी है। वैसे इसके अंदर तो एक कोलेस्ट्रॉल भी है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो लिपिड है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोटीन कहाँ पर है? अगर ये देखें, ये बुक की डायग्राम है, कलर नहीं है लेकिन है ये बुक की डायग्राम, और उसमें बुक में ये कोलेस्ट्रॉल भी बना हुआ है और लिखा हुआ भी है बुक में कोलेस्ट्रॉल। और अगर बुक वाले ये पूछें कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे कहीं लेबल नहीं हो, व्हाट इज दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस प्रोटीन। सही है या नहीं? अब दरअसल कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पता है क्या करते हैं, उन्होंने निकाला ये और लिख दिया एक्स, यहाँ पे लिखा ये और लिख दिया एक्स, और पूछा विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एक्स, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एक्स, और आंसर है पेप्टाइड, दूसरा ग्लाइकोसाइडेक, तीसरा एस्टर, फोर नन ऑफ दीज। तो आंसर हुआ, तो बच्चे सेलेक्ट करते हैं नन ऑफ दीज। वो कहते हैं क्यों? कहने ये बुक में तो लिखा ही नहीं है भाई, इसमें बॉन्ड कहाँ से आ गए, ये बॉन्ड कहाँ से आ गए इसमें? कहें भाई ये तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज है भाई, ये क्या चीज भाई, ये तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बस बुक में लेबल थोड़ी हुआ भाई ये क्या चीज है। बुक में लिखा हुआ है इंटेंसिक और एक्सटेंसिक प्रोटीन, कि इंटेंसिक प्रोटीन है, ये एक्सटेंसिक प्रोटीन है, और बुक में लिखा हुआ है कि अगर ये प्रोटीन है तो चैप्टर, ये देखें दो चीजें यानी चैप्टर 4 और चैप्टर 2 दोनों की चीजें चेक करने के लिए एक क्वेश्चन काफी है। अब वो क्या है कि जैसे ये पता हो कि ये है क्या, जिसके ये पता हो कि ये बनी हुई किस चीज की है, वो बताएगा कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसलिए कि उसे पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन है। सही है या नहीं? सही। इसी तरीके से देखिए पूरी लेबलिंग के साथ, ये जो पूरी डायग्राम है लेबलिंग के साथ, अब उन्होंने कर दिया इसको एक्स, दिस इज एक्स, और पूछा अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो फिर क्या बताया जाएगा? कहेंगे हैं ये कहां से आ गया भाई, ये तो हमारी बुक में बॉन्डिंग कहाँ से आ गई हमारी बुक में? चैप्टर 4 में अगर आप देखें, एक बच्चे ने कहा सर मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि चैप्टर 4 में कोई बॉन्डिंग नहीं लिखी हुई, वो तो बस सेल है, उसके ऑर्गेनेल है, उसके स्ट्रक्चर है, बस और कुछ नहीं है। तो ने कहा कि यही चेक करना है कि आपने चैप्टर 2 भी पढ़ा हुआ है और चैप्टर 4 भी पढ़ा हुआ है, तब आपको पता होगा कि ये आंसर क्या है। ठीक है या नहीं? चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ओ दिस इज सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ओके। और फिर अगर ये पता हो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि दिस इज कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपको पता है एप्टीट्यूड टेस्ट वाले बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। एनिमल सेल। सही है या नहीं? यस सर। सही। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसमें एस्टर बॉन्ड होगा, एस्टर। यही वाला क्वेश्चन है, और फिर पूछा जाए कि बताएं इसमें कौन सा यूनिट है, यही वाला क्वेश्चन, सेम लेबलिंग, अब पूछे कौन सा यूनिट है, आंसर दिए आइसोप्रिनोइड यूनिट, दूसरा दिया हुआ है एस्टेरॉल यूनिट, जैसे कैरोटीन यूनिट, एस्टेरॉल यूनिट, एस्टेरॉल यूनिट। सही या नहीं? अब दरअसल कहते हैं कि देखें जिसने चैप्टर ये भी पढ़ा हो वो भी पढ़ा हो तब तो वो आंसर देगा, वरना नहीं। तो हम दरअसल प्रोटीन के फंक्शन पढ़ रहे थे कि प्रोटीन के काम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अगर प्रोटीन ना हो तो सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो तो सेल ही नहीं होगा, इसलिए के बगैर कवर के तो सेल नहीं होता। इसलिए कि आपको पता है सेल जो है वो बड़ा शर्मीला होता है, और सेल मेम्ब्रेन उसका कवर यानी उसके कपड़े हैं, अगर उसके कपड़े ही ना हो तो सेल ही नहीं होता। राइट या नहीं? राइट सर। सेकेंड फंक्शन क्या है?
कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, मसलन जो सेल है, सेल उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। और जो कुछ जो होती हैं वो कैटालिटिक प्रोटीन होती हैं, कैटालिटिक होती हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। जैसे एंजाइम्स जो हैं, हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट जो बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो यानी सेल में, चाहे ह्यूमन का सेल हो चाहे बैक्टीरियल सेल हो, तो एंजाइम आर कैटलिस्ट यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। जैसे लाइसोजाइम एक एंजाइम है, कहाँ पर होता है? स्लाइवा में। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम है, कहाँ पर होता है? स्टमक में। जैसे लेक्टिक एंजाइम है, कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में। अगर आप मुझे ये बताते हैं कि लैक्टेज जो है वो किस चीज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टेज डाइजेस्ट डैश इनटू डैश एंड डैश डैश एंड डैश, लैक्टोज कैसिनोजिन, तो ये लैक्टोज को और क्या क्या चीजें बनाएगा? कैसिनोजिन ओ नो, नहीं, ये तो ग्लूकोज शुगर है, लैक्टोज, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। नो नो, ये बनाएगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड लैक्टोज। जी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सही या नहीं? यस तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। ये बुक में हमारा पेज है 45, चैप्टर है 3, और ये जूलॉजी के चैप्टर में है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, कि हमें पता चले कि एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। ये हुए दो चीजें। अब है कि प्रोटीन और क्या करती है, नंबर 3 है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करती है? प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है। और ये बात हमारे चैप्टर 2 में नहीं बल्कि चैप्टर 14 में लिखी हुई है, पेज नंबर 352। ये जो हमारी बुक है 352, इसमें लिखा है कि हीमोग्लोबिन ऑल्सो कंटेन अ प्रोटीन एंड द नेम ऑफ प्रोटीन इज ग्लोबिन एंड हीम मीन आयरन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आपको पता है कि इसी हीमोग्लोबिन के बारे में चैप्टर 2 की नॉलेज को ऐड किया जाए और पूछा जाए कि आयरन कंटेन प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इज, और लिखा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। अब क्या आंसर होगा? आयरन क्वार्टनरी कंटेनिंग प्रोटीन इज, आंसर है क्वार्टनरी। क्वार्टनरी। ये आपको कैसे पता चल गया? क्या ये बुक में लिखा हुआ है इस तरह से? ये बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको इस अपने ब्रेन में इस तरह से करना है इसको। इस तरह से अगर आप चीजें समझेंगे तब तो आपको बायोलॉजी आएगी, वरना सर जब इनकी नेचर ही प्रोटीनियस है तो ये खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाती? आपको पता है ये उर्दू में आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। लोहा जो होता है ना वो खुद लोहे की चीजों को काटता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये पूछा कि शैतान जो है वो तो आग का बना हुआ है, अगर उसको दोजख की आग में डालेंगे उसको क्या होगा? उसको तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से बुजुर्ग ने क्या किया, एक मिट्टी का जो ढेला था उठाया, उसको मारा। ओ, ये क्या किया? उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे मैंने सवाल का जवाब दिया है। यानी कि ये कोई जवाब, इस तरह से बदतमीजी से जवाब दिया जाता है कि आप दूसरों को मारना शुरू कर दें? कहने, तुमने सवाल ही ऐसा किया था कि ऐसे ही करना पड़ा मुझे। उन्होंने कहा कि तुम किस चीज के बने हो? मिट्टी के। मैंने तुम्हें मारा क्या है? मिट्टी। भाई तुम भी मिट्टी के बने हो, ये मिट्टी तुम्हें क्या क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना, तो एक ही चीज के बने हुए हो या नहीं? भाई दरअसल वो कैटलिटिक प्रोटीन होती है, उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के होते हैं कि वो डाइजेशन का काम करते हैं ये। और इसकी डिटेल जो है जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना, एंजाइम्स और उसकी नेचर, तब ये बात आपको पता चलेगी। ठीक है या नहीं? वो प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क होने की वजह से चेंज आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आम लोहे का पीस है, देखिए एक आम लोहे का पीस है और एक आयर जो है मैग्नेट है, उसके ऊपर से बार बार गुजारें तो मैग्नेटाइज हो जाता है।
अब बताएं कि वो आयरन का पीस था, अब उसमें क्या चेंज आया कि वो अट्रैक्ट करने लग गया, यानी वो मैग्नेट बन गया। सही है या नहीं? एक आम लोहे का पीस क्या मैग्नेटाइज हो जाता है या नहीं? हो जाता है। तो ये आप सोचिएगा और कभी मुझे जवाब दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या चेंज आ गया कि उसमें अट्रैक्शन आ गई। पहले वो अट्रैक्ट, आम लोहे का पीस था, अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मैग्नेट उस पर गुजारा गया तो क्या हो गया कि वो अट्रैक्शन शुरू कर दी उसने। सर पोल्स आप कहें ये देखिए, ये भी लोहे का पीस है, ये भी लोहे का पीस है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो गया इसमें, क्या चेंज आ गया? बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान जब मर जाता है तो दरअसल कहते हैं इसमें रूह होती है, वो क्या चीज चली गई, अभी तो ये चल फिर रहा था, ये अब क्यों नहीं चल फिर रहा, राइट या नहीं? तो ये दरअसल कहते हैं ये वही आर्टरी की डायग्राम है कि हीमोग्लोबिन में रेड कलर का पिगमेंट होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है। सही है या नहीं? इस तरह से एग्जाम में आया, गिव वन फंक्शन ऑफ क्वार्टरनरी प्रोटीन, गिव वन फंक्शन ऑफ क्वार्टरनरी प्रोटीन। तो क्वार्टरनरी प्रोटीन का एक फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, कैसे, हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो ये देखें कैटालिटिक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम है प्रोटीन, डिफेंस का काम भी प्रोटीन करती है, बचाने का। डिफेंस का मतलब वो फौज वाला डिफेंस नहीं है, दरअसल आपको पता है कि हमारी बॉडी में होते एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन हैं। ये एंटीबॉडीज जर्म्स को किल करते हैं, कौन एंटीबॉडीज बनाता है ये, इसलिए हम इसे कहते हैं दीज आर द किलर प्रोटीन। और हमारे बॉडी में WBC बनाते हैं, और WBC जो है हमें जरासीम से हिफाजत करते हैं, इसी हिफाजत को इम्यूनिटी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इम्यूनिटी इज द डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, जिसे कहते हैं उर्दू में कुव्वत मुदाफियत। क्या कहते हैं? कुव्वत मुदाफियत। सही है या नहीं? और वैसे कुव्वत मुदाफियत का उर्दू तर्जमा होता है दफा करने की कुव्वत। वैसे दरअसल किसी को कहते हैं उर्दू में, कहें दफा हो जाओ यहाँ से, तो वो उसे बहुत बुरा लगेगा, तो कहते हैं ये WBC क्या करते हैं, ये भी दफा कर देते हैं किसको, जर्म्स को। और उसे आपको पता है कि जर्म्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं और उन्हें किल करने वाली भी प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का नाम एंटीबॉडीज है। एग्जाम में पूछा जाता है किसी डिफेंसिव प्रोटीन का नाम बताएं, तो कहते हैं बच्चे हैं ये बुक में कहां लिखा है डिफेंसिव प्रोटीन का नाम। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाए, ये देखिए ये चैप्टर 14 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 369, और चैप्टर 14 की में जूलॉजी का जो पार्ट है उसमें लिखा जाए एंटीबॉडीज, और लिखा जाए कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडीज, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडीज, और लिखे हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और तीसरे हैं एस्टर बॉन्ड, और चौथे हैं नन ऑफ दीज, पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड। ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें कौन से बॉन्ड है, ऐसे नहीं लिखा होगा कि एंटीबॉडीज कंटेन पेप्टाइड बॉन्ड, ये नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको ये जब ये पता है कि ये प्रोटीन है, सही है या नहीं, फिर आपको ये पता होना चाहिए। इस तरीके से कहें कि रेड ब्लड सेल में जो रेड कलर का पिगमेंट है उसके बॉन्ड बताएं कौन से हैं, कहें भाई रेड कलर का पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन, तो बॉन्ड कहाँ से आ गए? ये कहते हैं बच्चों को फेल करने के लिए, एक बच्चे ने कहा एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चों को फेल किया जा सके। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फेल किया जा सके, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ये है ठीक है या नहीं। एक्टिवेटर का काम भी करती है प्रोटीन, किसका काम, एक्टिवेटर का काम। ये देखें चंद मिनट रह गए हैं, तो दरअसल कहते हैं एक्टिवेटर क्या होते हैं, एक्टिवेटर वो होते हैं जो हेल्प करते हैं रिएक्शंस में, किस चीज में हेल्प करते हैं, रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर जो हैं वो क्या करती हैं, तो वो हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेशंस का काम करते हैं, तो हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपको पता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ये भी प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन के काम हैं। हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, हमारी बुक में लिखा है 10,000 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं हमारी, कितनी प्रोटीन, 10,000 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, इसमें प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में। क्या ये बात हमारी बुक में लिखी हुई है, यस, कहाँ पर लिखी हुई है, इसी चैप्टर में।
हम प्रोटीन के फंक्शन पढ़ रहे थे कि वो कैटालिटिक भी प्रोटीन होती है यानी एंजाइम की शक्ल में, इस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी करती हैं हीमोग्लोबिन की शक्ल में, मूवमेंट का काम भी करती हैं मसल्स की शक्ल में, और इस तरीके से डिफेंस का काम भी करती हैं एंटीबॉडीज की शक्ल में। तो ये हैं फंक्शन किस चीज के? प्रोटीन, प्रोटीन के। तो दरअसल हमें स्टोरी क्या पता चल रही है प्रोटीन के मुतालिक, क्या हमने प्रोटीन को समझ लिया या नहीं? यस सर। क्या समझा? ये प्रोटीन जो है ये आसान है या मुश्किल? जैसे मैंने इसके साथ साथ आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस बताए थे, क्या वो मुश्किल होते हैं? एक्चुअली वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पहले उन्हें समझना पड़ता है कि भाई मुझे जवाब क्या देना है, यानी इसके लिए दरअसल ये कहते हैं कि जब तक जो है वो हम क्या ना पढ़ें, जब तक जो है वो हम अच्छी तरह उसे ना समझें, तब तक तो हमें समझ ही नहीं आता कि भाई हमने करना क्या है, राइट या नहीं? राइट। तो दरअसल कहते हैं कि अब अगर हम सिंपली जो है इसको रिव्यू कर लें पूरे को, ये देखिए मसल्स प्रोटीन है, ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? ये मसल्स प्रोटीन है ये सेकेंड ईयर की बुक में लिखी है, फर्स्ट ईयर की बुक में नहीं लिखी, ये सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर 2 है, पेज नंबर 44 है, वहां पर ये बात आपको पता चलेगी कि मसल्स भी प्रोटीन होते हैं। और दरअसल 10,000 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, कहाँ पर? इंसानों में, ह्यूमन बॉडी में। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडीज। अगर ये सारी के सारी बताना शुरू करते हैं आपको कि प्रोटीन ये भी होती है, प्रोटीन ये भी होती है, तो फिर बच्चे तो हो जाएंगे पागल। सर जी एक स्टूडेंट से अलग अलग क्वेश्चन पूछना है या सबसे? भाई सबसे एक साथ ही पूछते हैं, मतलब जिसको भी आंसर आ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो उसको आंसर पता ही हो। तो हमने ये पढ़े फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन के, तो प्रोटीन के फंक्शंस जो है ये अभी हम जो पढ़ रहे थे तो प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रोटीन के फंक्शंस, के प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर का भी काम करती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं, कैटालिटिक भी होती हैं जैसे एंजाइम होते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं जैसे हीमोग्लोबिन होते हैं, डिफेंस का काम भी करते हैं जैसे एंटीबॉडीज होते हैं, एक्टिवेटर का काम भी करते हैं जैसे जीन जो है उसमें भी प्रोटीन है, और ही जीन्स में जो प्रोटीन है वो डीएनए के अलावा इसका नाम हिस्टोन है। इस तरीके से रेगुलेटरी यानी कंट्रोल करने का काम जैसे हार्मोन की शक्ल में कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, ये किसका काम है? इंसुलिन का, और इंसुलिन भी प्रोटीन है। तो इस तरीके से रेगुलेटरी या कंट्रोलिंग फंक्शन भी प्रोटीन का है। मूवमेंट के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, और वो है मसल्स की शक्ल में कि मसल्स हमारे ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तभी हमारा हाथ मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिलैक्स होंगे तभी हमारा हाथ मूव करेगा। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की वजह से होती है, और मैंने ये बताया कि हमारी बॉडी में 10,000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स है, राइट? तो जैसे कहते हैं इसमें जो है प्रोटीन्स के मुताबिक अगर हम इसकी समरी पढ़ें कि जो कुछ हमने पढ़ा था वो एक्चुअली था क्या, ये सारा कुछ जो है वो हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के मुताबिक। अब प्रोटीन्स जो हैं उसके मुताबिक सिंपल सी बात ये है कि प्रोटीन जो होती हैं 50% ड्राई वेट होती हैं, 18% मेमिलियन और 15% बैक्टीरियल सेल में होती हैं। प्रोटीन वो होती हैं जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन की बनी हुई होती हैं। हमारे हेयर, हमारे नेल, हमारे स्किन, हमारे एग मीट और पल्सेस, ये सब के सब प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े। सर एक बात पूछनी थी जी, वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ग्लाइसिन है, अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और अमाइनो एसिड के